बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपचुनावों के रिजल्ट की, क्योंकि बिल्कुल उपचुनाव हुए थे और उसको लेकर आज हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त ही, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर ये मतदान हुआ था और उपचुनाव के नतीजों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि आजमगढ़ में 48% से ज्यादा और रामपुर में 41% से ज्यादा मतदान हुआ था। बिल्कुल, आज जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजों का दिन है और संगरूर में जो हुआ था उपचुनाव उसमें 37% मतदान किया था। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर यह मतदान किया गया था। साथ ही उपचुनाव के नतीजों के लिए सुबह 8 बजे से जो मतगणना है वो जारी हो गई। आजमगढ़ में भी मतदान हुआ था, रामपुर में हुआ था। ये उपचुनाव 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर किया गया था। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे, जहां 23 जून को ये मतदान किए गए थे, आज उनके नतीजों का दिन है। कौन किस पे भारी पड़ता है ये साफ तौर से देखने वाली बात होगी, क्योंकि रामपुर, आजमगढ़, संगरूर ये तीनों लोकसभा सीटें थी जहां पर उपचुनाव किया गया था और 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये उपचुनाव कराए गए थे, जिनके आज नतीजों का दिन है, आज साफ हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दें हर्ष, जिस तरह से संगरूर में जब भगवंत मान ने सीट खाली की थी तो उस पर एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, साथ ही साथ आजमगढ़ और रामपुर में भी ये चुनाव हुआ था। अब आजमगढ़ और रामपुर में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में तो अपना परचम लहरा दिया, तो वहीं अब आजमगढ़ और रामपुर सपा का गढ़ माना जाता है, उसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा। बिल्कुल जया, क्योंकि अगर हम बात करें संगरूर की तो सबसे ज्यादा संगरूर में देखना होगा, सबसे कम वोटिंग हुई है संगरूर के अंदर, और ये कहा जाता है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी है लोगों में, तो सबसे कम वोटिंग यानी 37% वोटिंग हुई है, क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से परचम लहराया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो हाल ही में हमने देखा घटना घटी है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, उसके बाद एक दो घटनाएं ऐसी घटी जिसने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी पर, पंजाब की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, और उसी को लेकर हमने देखा था कि दिग्गजों की तरफ से रैली की गई, केजरीवाल साहब को यानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब को मैदान में उतरना पड़ा था संगरूर को लेकर, लेकिन प्रचार प्रसार किया गया उसके बाद भी 37% महज वोट डाले गए हैं। फिलहाल इस वक्त झारखंड को अगर बात करें तो झारखंड की भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उसके